Hi everyone, this is Yukti Belwal. और इस वक्त मैं हूँ किर्गिज स्टेट मेडिकल के ताश दोगो वरन सोफ का कुछ बच्चे ताश दोगो कह रहे हैं ताश दोगा एंड वरन सोफ का ये बीच में अच्छा ताश दोगो एरिया है वरन सोफ का हाँ तो हम दूसरे कैंपस में किर्गिज स्टेट मेडिकल के और बच्चे यहाँ पे जो हमने भेजे हैं वहाँ पे गर्ल्स के हॉस्टल में हम लोग हैं सो सभी लोगों ने जो है किर्गिज स्टेट मेडिकल का सिलेक्शन किया कि यहाँ पे आएंगे तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट कैंपस है जो कि हम आज देखने आए हैं तो मैं चाहूँगी बच्चे अपना रिव्यूज़ दें अभी का फीडबैक दें जो नए बच्चे आएंगे उनके लिए कितना सही रहेगा ये बताएं सबके लिए तो सही है ये बहुत अच्छा है एंड स्टार्टिंग में आप लोग काफ़ी प्रॉब्लम आई थी क्योंकि न्यू स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आई थी बट धीरे धीरे सब क्लियर होता गया हाँ फैसिलिटी हो अब सब जगह अच्छा हो गया है कंस्ट्रक्शन वगैरह जल्दी हो के सब हो गया है तैयार हो गया हाँ एंड स्टडी भी अच्छा है यहाँ का टीचर्स भी अच्छे से पढ़ाते हैं और टाइम टू टाइम डेली एग्जाम होती है सो कोई प्रॉब्लम नहीं है सो बताना चाहूंगी ये है भूमिका सो आपने इंट्रोड्यूस इंट्रोडक्शन दीजिए मैं भूमिका हूँ मैं महाराष्ट्र से हूँ मुंबई से आई एम नगमा आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड मैं युक्ति बेलवाल मैम के थ्रू आई थी एंड यहाँ पे सब कुछ बेस्ट है मैम बिकॉज अवेलेबिलिटी हर चीज़ है यहाँ पे और थोड़ा कैंपस से दूर है तो हमारा मतलब इजीली हर चीज़ मैनेजमेंट हो जाता है स्टडी में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और यस मैम टीचर्स जो मेन कैंपस में जो स्टडी कराते हैं वही हमारे यहाँ पे आके पढ़ाते हैं इजीली यस मैम इजीली हमारा सब कुछ कंप्लीट हो जाता है शुरू शुरू में आई थी जो प्रॉब्लम्स आई थी बट नाउ इज एवरीथिंग इज प्रॉपर इवन वॉशरूम इज क्लीन्ड एंड एवरीथिंग इज फाइन इवन अगर हमें कोई चीज़ अगर हमें इम्पोर्टेंट है जो कि यहाँ नहीं मिल रही है तो हम इजिली हम 25 मिनट्स में बिश्केक में सिटी चले जाते हैं बहुत ही पास है 25 मिनट्स में भी खुद आई तो इट्स वेरी नियर बहुत अच्छा रास्ता खूबसूरत इट्स ब्यूटीफुल स्टडी के बारे में देखा गया तो फर्स्ट ईयर से एमसीए क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं अभी क्या क्या पढ़ा रहे हैं मैम हमारा अप्रोक्स फिजियोलॉजी एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी मेन सब्जेक्ट्स एंड बायोकेमिस्ट्री यस मैम दीस आर आवर मेन सब्जेक्ट्स आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है थोड़ा पढ़ने में आपके थ्रू आई हूँ आई एम भावना फ्रॉम महाराष्ट्र आपके थ्रू आई हूँ हाँ कोई बात नहीं ऑफकोर्स जो मेरे थ्रू आते हैं अच्छा मुझे ये बताओ ऐसे और भी कंसल्टेंसीज होती हैं जो गलत तरीके से एडवाइस देती हैं जैसे आपके साथ हुआ दिस इज द बिग प्रॉब्लम बिकॉज यहाँ पे कुछ अभी स्टूडेंट्स हैं जिनको जजोत बुक में प्रॉब्लम हो रही है जजोत एक तरह का यहाँ पे जैसे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो उसको एक तरह से सर्टिफिकेट है हाँ हमारा कंप्लीट हो गया है तो देन मैम यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जिनके एजेंट्स ने वहाँ पे फीस ले ली है बट उनको यहाँ पे नहीं किया टीचर्स को तो उनकी वजह से उनकी फी में प्रॉब्लम हो रही है और उनको जजोत साइन नहीं हो रहा है तो यहाँ पे ये मेन प्रॉब्लम है और थैंक यू सो मच मैम आपने हमारा बहुत साथ दिया इस चीज में नहीं कुछ इश्यूज तो आए थे लेकिन वो सॉल्वेबल थे हमारी तरफ से कोई इशू ना इशू यहीं पे था तो वो हमने जितना जैसे भी हो सका हमने आप लोग की जरूरत का कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है ऑल क्लियर मैम ठीक है एंड मैं भी हिस्टोलॉजी में एग्जाम फ्री हो गई हूँ ऐसे कैसे मतलब कैसे कर सकते हैं मैम एक्चुअली फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर अच्छा अगर आपको बहुत अच्छा yes, परफॉर्मेंस है फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर बोथ वी गेट 90 प्लस मार्क्स इन बोथ द सेमेस्टर सो वी गेट एग्जाम फ्री सो दिस इज द पैटर्न लाइक दिस वेरी गुड तो फिर आपके लिए काफी अच्छा हो जाता है यस यस मैम हां आप मुझे आपसे थोड़ा रिव्यू लेना क्योंकि और भी स्टूडेंट्स होते हैं ना जिनके साथ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो क्या आपको इश्यूज आए आपको दूसरी यूनिवर्सिटी कंट्री में भेजा गया था पहले हां मुझे आर्मेनिया में गई थी मैं तब वहां मतलब बोला था बहुत अच्छा है सब मतलब कैंपस में ही है बट जब जाके देखा मैंने वहां पे तो ओनली एक बिल्डिंग थी जिसमें लॉज एंड डेंटिस्ट वगैरह सब साथ में ही थे एक एक क्लास खाली थे उनके लिए एंड वहां पे कुछ नहीं चल रहा था अभी तो मैंने देखा सेकेंड सेमेस्टर में उनका फर्स्ट एनाटॉमी का चल रहा है वो भी उन लोग वहां के बच्चे बहुत परेशान है तो ऐसे सही गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए मेरे हिसाब से जो भी जैसा है वो बता के बच्चों को भेजना चाहिए बिकॉज इट्स देयर करियर और इससे बहुत इन्हें इश्यूज आते हैं बहुत प्रॉब्लम होती है जैसे किर्गिज स्टेट मेडिकल ही है जितने भी बच्चों को हमने किर्गिज स्टेट मेडिकल बोला उनको वहीं पर भेजा तो यही एक कंसल्टेंसी का काम होना चाहिए जहाँ भेजे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चीज़ें होती है लेकिन वो मैनेज करने वाली होनी चाहिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग का फीडबैक अच्छा है पॉजिटिव है
और आप लोग यहाँ पे खुश हो, इतना अच्छा रूम है देख रही हूँ आप लोग, क्योंकि ऐसा और भी जगह गई हूँ हर तरह के होते हैं, अच्छे नहीं होते, लेकिन ऑफकोर्स अंदर तो खैर आप लोग क्लीनलीनेस रखनी पड़ती है, yes, है ना, वो तो हमारा उसके बिना नहीं होता। और बताइए समीना, आप बताइए। और मुझे तो यहाँ सब सही लग रहा है, शुरू से बहुत प्रॉब्लम आ रही थी बट हाँ अभी हम एकदम सेट है। कौन थे काउंसलर? युक्ति तुलिका, तुलिका मैम थी ना। और बताइए आप हमारे जितने भी फैसिलिटीज नहीं थे उन्हें बताने के बाद हमें जल्द से जल्द वो कराई गई, हमें इतना भी गैप नहीं गिरा तो हमें इतनी भी प्रॉब्लम नहीं गई। और आप महाराष्ट्र से ही हैं? महाराष्ट्र। सो आपको पूरा प्रोसेस में हेल्प मिली? हाँ जी। आपके तो गार्जियन भी यहाँ पे विजिट करके गए? हाँ, उन्हें भी अच्छा लगा, उन्हें भी ठीक लगा कि हर सब बच्चों को साथ में रखा है, इंडियन साथ में। दूसरी अच्छी बात है गर्ल्स बॉयज का हॉस्टल सेपरेट है, और इवन मामा जो है हमारे वो जो वार्डन वो है वो एंट्री नहीं देती है, इवन बॉयज हो बॉयज में बॉयज की है और गर्ल्स में। हाँ टाइम इज टाइम, 10 बजे के बाद किसी को एंट्री नहीं होती इनसाइड हॉस्टल के, और 8 o'clock में मेन गेट मेन गेट बंद हो जाता है। हमारे पास आईडी कार्ड है वो नहीं रहा तो अंदर लेती। यस मैम। और बोल के जाना पड़ता है कि बिश्केक जा रहे हैं, नहीं तो अंदर नहीं आते, साइन करके जाना पड़ता है। तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी अच्छी रहती हैं, बच्चों की डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, और ऑफ कोर्स देखिए मेन एम तो आप लोग का पढ़ाई है, अच्छे से आप लोग पढ़ो, उस चीज़ को अचीव करो जो आप अचीव करने के लिए आए हो, और आपके लिए काफ़ी अच्छा है। चलिए अब और देखते हैं।